सो आज की रेसिपी हमारे सारे हेल्थ एंथुजियास्ट के लिए है जो इस फेस्टिव टाइम में भी हेल्दी ईटिंग को प्रेफर करते हैं। चलिए आज उनके लिए बनाते हैं मिलेट बेक्ड मठरी बाइट्स, आपकी दिवाली पार्टी की शान बन जाएंगे। तो सबसे पहले मठरी बनाने के लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप ज्वार का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, अजवाइन, हल्दी और कसूरी मेथी। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें हम 2 टेबलस्पून के लगभग घी डालेंगे और इससे डो को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के एक हार्ड सा कड़ा सा डो हम गूंथ लेंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ढक करके। फिर इसकी छोटी छोटी से हम लोई काटेंगे और इसे लगभग 2 mm की मोटाई में बेल लेंगे। यहाँ मैंने 2 शेप का कुकी कटर लिया है, एक सर्कल और एक ये फ्लावर वाला। इसकी हेल्प से हम मठरी को एक परफेक्ट शेप दे सकेंगे। इस तरह से हम कट करके सारी मठरी बना लेंगे और बेकिंग ट्रे में इसे रख लेंगे। अब हम इसे फोक की हेल्प से थोड़ा सा पोक करेंगे और घी से ग्रीस करेंगे। फिर हम इसे 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। और ये देखिए हमारी एकदम क्रिस्पी सी बेक्ड मठरी तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, बट अपनी दिवाली पार्टी में इसे सर्व करने के लिए आप प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू, काली मिर्च, नमक ये सब डाल करके एक अच्छा सा कचुमर वाला सैलेड बनाइए और फिर उस मठरी के ऊपर इसे डालिए। थोड़ा सा दही, थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ा सा धनिया और ये सेसमे सीड लास्ट में स्प्रिंकल करिए और इसे एंजॉय करिए। हेल्दी एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स, एंजॉय।